हेलो दोस्तों नमस्ते कल आप सब लोगों को वापस से स्वागत है में दोस्तों सेकंड पार्ट ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ जिसके अंदर फिफ्टी क्वेश्चन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हेड आपका आने वाला है एंड and... Uh, जहां तक मुझे लगता है डी ओल एल बीगल से अगर कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी सीरीज़ बहुत सारे वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर हैं आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं प्लस मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे एम जो है ये इसका सेकेंड पार्ट है ऐसे कम से कम चार पाँच पार्ट और इस चैनल पर लाऊंगा जिससे कि आपका एक बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं एम है वो कवर हो जाएँ और आप अगर वो एम ही कर जाएँ तो आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो कवर हो जाएगा तो so दोस्तों इस सेकंड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आज के 50 क्वेश्चंस में और समझते हैं क्या क्या चीजें हैं जो चीजें हम आप लोगों को मुझे लगता है कि बताने की जरूरत पड़ेगी मैं उनको आपको और ब्रीफ और ब्रीफ डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा सो लेट्स गो टू द पार्ट ऑफ द दी क्यूज दोस्तों नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके लिए ये वीडियो है आज की और आइए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन को लेकर तो सबसे पहले क्वेश्चन है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय सो इट्स एस पी एस सी जैसे ही आपका यू पी एस सी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें आपके आई ए एस आई पी एस आई आर एस वगैरह आते हैं उसी तरीके से स्टेट पे स्टेट जो होती है वो भी अपने आ, जो है सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स कराती है यूजली आई ए एस और क्या कहते हैं आई पी एस लेवल के जो अधिकारी होते हैं मेनली ये डी सी पी और आई पी एस के अधिकारी जो है वो डी सी पी लेवल से स्टार्ट करते हैं टूअर्ड्स द डी आई जी ए डी जी कमिश्नर लेवल तक उसी तरीके से आई एस ऑफिसर्स होते हैं दे स्टार्ट एज द डी एम्स एज द डी सीज एंड दे मूव टूवर्ड्स द लेडर टूवर्ड्स द कैनेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड ऑल दोज लेवल्स उसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जो कि लोअर लेवल ऑफ़िसर्स के लिए अपॉइंटेड होती है यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग होते हैं ये डीसी लेवल तक मैक्सिमम uh, प्रमोट हो सकते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर एसडीएम uh, लेवल तक मैक्सिमम प्रमोट हो सकते हैं तो uh, ये काडर बेसिकली स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन है और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो जैसे कि यू का अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करता है उसी तरीके से जो गवर्नर है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट करते हैं उसका जो आंसर है दैट इज गवर्नर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दिया गया दिस इज अ रॉन्ग आंसर स्टेट गवर्नर डायज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज इज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंट सो स्टेट गवर्नर डायज और रिजाइन हु एक्सरसाइज तो इसका आप पता कर सकते हैं प्रेजिडेंट से जैसे कि जब प्रेजिडेंट डाई करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उनके फंक्शन यहाँ पे अडोर करता है उसी तरीके से अगर गवर्नर डाई करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो उनके फंक्शंस को एडोर करता है फिफ्टी थ्री क्वेश्चन है वैन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड यूनियन तो प्रो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता होगा आर्टिकल थ्री सिक्सटी के अंदर आती है इट्स वन ऑफ द थ्री इमरजेंसीज़ जिसमें हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है देन यू हैव प्रेजिडेंट रूल विच इज़ नोन एज स्टेट इमरजेंसी ठीक है देन यू हैव योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 360 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर जो मेजर्स लिए जाते हैं जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो उसके अंदर दैट मेजर्स आर ऑलवेज जिसके अंदर सैलरीज एंड अलाउंसेज होते हैं किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉय के वो रिड्यूस कर जाते हैं इंक्लूडिंग द जजेस एज वेल ठीक है well. तो आंसर बी इज द राइट आंसर हु अपॉइंस द चेयरमैन ऑफ़ यू पी एस सी मैंने अभी ऊपर आपको बताया स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्न का जब गवर्नर करता है तो यू पी एस सी का प्रेजिडेंट करता था तो आंसर इज द प्रेजिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द गवर्नर ऑफ द स्टेट सो इट इज़ ऑल पहले तो ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है ही कैन रिकमेंड टू द प्रेजिडेंट टू इम्पोज प्रेजिडेंट रूल ओके नो मनी बिल कैन भी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेगिसलेसन विदाउट इज प्रायर परमिशन ही इज द प पावर ऑफ विशिंग ऑर्डिनेंस वेन द स्टेट लेगे सारे के सारे इट ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ठीक है देन यू गोट इफ प्रेजिडेंट वॉन्ट्स टू रिजाइन फ्रॉम इज ऑफिस ही मे डू बाय राइटिंग इट टू द इसका जो आंसर है दैट्स द वाइस प्रेजिडेंट ठीक है वाइस प्रेजिडेंट को प्रेजिडेंट अपना जो है रेजिग्नेशन लिखता है इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज इज शॉर्ट येस इफ द काउंसिल सोट डिजायर्स येस नो एंड देन द अदर ऑप्शन इज डिस्क्रिप्शनरी सो so, इसका जो आंसर है दैट इज येस प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू एडवाइज वेन इट्स शॉट ठीक है द फाइव इयर टर्म ऑफ द प्रेजिडेंट इस कैलकुलेट फॉर्म दर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम इज चार्ज डेट ऑफ इज इलेक्शन इज डेट ही एज्यूम द चार्ज और फर्स्ट डॉफ़ द मंथ ही एज्यूम्स हिज चार्ज दैट स्टार्ट विद द डे ही एज्यूम इज चार्ज जिस दिन वो अपनी कुर्सी में बैठेगा उसी दिन से दैट स्टार्ट ओके हु इज द एक्सोफिफिफिफिफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट तो एक्सोफिशियल चेयरमान काउंसल स्टे दाइप प्रेजेंट इंडिया इज द चेरमे ऑफ दी राज्यसभा एंड अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजिडेंट रूल प्रोमोलेटेड ऑन एनी स्टेट तो दैट इज इन योर थ्री फिफ्टी टू इज़ फॉर देशनल एमरजेंसी थ्री फिफ्टी सिक्स इज फॉर दि स्टेट एमरजेंसी तो आंसर इज थ्री फिफ्टी सिक्स डी इज़ द आंसर ठीक है तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ तो टाइम प्रेजेंट रूल कैन इम्पोज ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ तो ये दे आर पोसिंग पोटिंग आस्किंग फॉर द तो मैक्सिमम पीरियड तो चार ऑप्शन उन्होंने दिए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है मैक्सिमम पीरियड जो है थ्री इयर्स तक एक प्रेजेंट रूल लग सकता है किसी भी स्टेट के अंदर और सिक्स मंथ्स के आपका उसमें लगता है एक तरीके से कंसोलिडेशन में पहले छः महीने लगेगा फिर उसके बाद देन यू हैव टू गो टू पार्लियामेंट जहाँ पे आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ जो स्टेट इमरजेंसी है उसको दोबारा पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट उसे पास करेगा फिर सिक्स मंथ्स के लिए और एक्सटेंड करेगा ऐसे करके जब आपका एक साल हो जाएगा वन ईयर हो जाएगा तो उसके बाद जो पार्लियामेंट में जब वो एक्सटेंशन के लिए दोबारा आएगा फॉर सिक्स मंथ्स तो एक्सटेंशन ऐसे नहीं होगा अनटिल अनलेस एक ही रीजन होता है एक साल के बाद प्रेजेंट रूल के एक्सटेंशन का वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि जो स्टेट है उसके अंदर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है विथ सम और अदर सर्कमस्टांसिस ठीक है तो हो सकता है इसका जो आंसर है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड इज थ्री ईयर्स एंड इफ देर गो ना आज कि भैया कंटिन्यूशन में कितनी समय के लिए लग सकता है कंटिन्यूशन जो है वो बेसिकली uh, उसका एक, uh, उसका एक uh, मतलब अपना कितना स्लॉट पर लग सकता है सिक्स मंथ्स ओके the chairman of the planning commission in india is the The chairman of the planning commission of india is the Now, uh, basically planning commission in india, the nahi hai, now it's a niti ayog. so, the answer remains the same. the prime minister, the prime minister, is the uh, chairman of the planning commission. when parliament is not in session, the president can promulgate an ordinance, which is to be ratified by the parliament. within six weeks from the reassembly of the parliament, six months from the reassembly of the parliament, six weeks from the date of issue of the ordinance, यू कैन से थ्री मंथ्स ऑफ द डेट इट्स लाइक सिक्स वीक्स ऑफ द रिसम्बल ऑफ द पार्लियामेंट जब भी uh, कोई अपना uh, ऑर्डिनेंस पास होता है जब पार्लियामेंट दोबारा जब भी बैठेगी उसके छह हफ्तों के अंदर उसको पास करना होता है द प्रेसिड ऑफ इंडिया इज इलेक्टेडेड बाइ एलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा स्टेट लेगिस्टिव अबली इलेक्टेड में ऑफ बहुत हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेगिस्टलेटिवेंबली इलेक्टेड में बहुत हाउस ऑफ पार्लमेंट इलेक्टेड में कॉलेज जो है प्रेजिडेंट का दैस इस

ऑल ऑफ द वर्ब पहला एग्जांपल है थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट तो इसका जो आंसर है दैट इज योर डी यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑफ गलत लिखा हुआ है इसमें लिखा है स्टेट ऑफ एमरजेंसी ठीक है तो ऑल ऑफ द दफ नहीं आएगा ऑल ऑफ द द आएगा ऑल ऑफ वैसे कहीं पर भी, भी नहीं आएगा इसमें जो थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये आपकी फाइनेंशियल एमरजेंसी हो गई ठीक है एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस थ्रेडिंग जो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ये आपकी नेशनल इमरजेंसी हो गई ये ग्राउंड उसके हैं ठीक है थीके? और स्टेट इमरजेंसी तब होती है जब जो कोई स्टेट है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज नॉट एबल टू रन विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने स्टेशन लिख दिया सॉरी तो यहां पे आपका स्टेट इमरजेंसी आ जाती है ठीक है सो देआर आस्किंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ अ लोकसभा मैंबर लोकसभा मेंबर के जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या है इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट नन ऑफ दिस डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेम्बर रिप्रजेंट और इज द सेम सो बेसिकली जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके अंदर जो वोट्स की वैल्यू होती है वो सेम होती है विद रिस्पेक्ट टू द मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट तो इसका आंसर होगा सेम ठीक है यहाँ पे आंसर इसका गलत दिया हुआ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू तो द नंबर वोट्स ऑफ मेंबर रिप्रेजेंट्स सिर्फ जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज़ होती हैं उनके एम के वोट की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट और वो डिपेंड करती है इनके ऊपर द Uh, basically differs according to the geographical size of the respective state or the द uh, number of votes a member represent तो so, वो इक, उसमें वो equivalent हो जाए जैसे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी सबसे ज़्यादा MLA की वहाँ पे voting values होती है that's two zero eight UP के जो एक MLA है उसके president election में voting value two zero eight होती है तो जो प्रेजी जो MP और जो MPs की vote की value होती है वो same होती है दूसरी चीज़ MPs के जो total vote होता है जब आप उसका टोटल वोट करेंगे उसको जब आप एडअप करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो सेम ही होता है जब आप पूरे भारत के एम का टोटल वोट आप कर लेंगे यानी जो एम ऑफ इंडिया के जो लेगिसलेचर हैं उनका जो वोट का टोटल सम है दैट इज ऑलवेज सेम एज टू द टोटल सम ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा ठीक है इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट इज नन ऑफ दिस टाइटुलर एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव रियल एंड टाइटुलर एग्जी क्यूटिव तो इसका जो आंसर है दैट इज योर टाइटुलर एग्जीक्यूटिव ठीक है मतलब आपको पता ही है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास कोई पावर्स बेसिकली अपनी नहीं है ही इज जस्ट अ टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर इज इट्स द आंसर इज ट्वेंटी फाइव क्योंकि मिनिमम एज फॉर द बिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज योर 25 फाइव वैन यू टॉकिंग अबाउट लोकसभा ठीक है तो आप लोकसभा में इलेक्ट हो गए और आपको अगर मेजोरिटी आपको मिल गई लोकसभा के मेंबर्स की तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मिनिमम एज इज ट्वेंटी फाइव द प्रेजिडेंट मे फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम इज ऑफिस बाय तो प्रेजिडेंट जब रिमूव करा जाता है तो बाय हुम रिमूव इट वो जो है आपका इट इज़ रिमूव बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्ले इम्पीचमेंट और आंसर है दट इज सी और इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट डन बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसी से भी शुरू करा जा सकता है कैन बी स्टार्ट विद द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन विच ऑफ द फॉलिंग ऑफ द प्रेजिडेंट एक्ट इन इज ओन डिस्क्रिप्शन इनमें से ऐसी कौन सी uh, वो है जिसमें प्रेजेंट अपनी डिस्क्रिप्शन करते हैं रिटर्निंग प्रपोजल टू द काउंसिल फॉर रिकनसिडरेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर बोथ ऑफ दिस तो इसका जो आंसर है दट इज योर ए कभी कभार जो है प्रेसिडेंट जो है रिकन्सिडरेशन के लिए किसी बिल को भेज देता है बट दैट ही कैन डू ओनली वंस एक ही बार वो इसे कर सकता है जब वो दूसरी बार उसके पास वो बिल आएगा उसको उसको पास करना ही पड़ेगा एंड वैन यू टॉकिंग अबाउट मनी बिल प्रेजिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल प्रेजिडेंट को बिल पास करके देना ही पड़ेगा ठीक है इन रिटर्निंग द प्रपोजल काउंसल ऑफ मिनिस्टर जो है इसका आंसर है द प्राइम मिनिस्टर यूनियन कमिस्टर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर ऑल मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रीजनल काउंसिल प्लानिंग कमीशन और जोनल कमीशन तो जो इसका आंसर है अभी वैसे आप इसमें इंटर स्टेट जो आपका वो होता है देर इज ऑल्सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इंटर स्टेट कमेटी uh, 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 है जिसमें जिसके अंदर इंटर स्टेट आपका वो होता है तो इसका आंसर जो है दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बेसिकली एनडीसी प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है उसमें सारे चीफ मिनिस्टर सारे मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते ठीक है ठीक है नाउ द प्रेजेंट रूल इन द स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल बाय केयर टेकर गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट बाय द प्रेजिडेंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द प्रेजेंट डायरेक्टली तो इसका आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक है द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी वैन एवर सच सेटअप एक्जिट इज़ अपॉइंटेड बाई दी ये आपको पहले भी बता चुका दैट इज द प्रेजिडेंट इज द आंसर इसमें यहाँ पे गलत दिया हुआ है ठीक है प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया को या तो प्रेजेंडेंट खुद अपॉइंट करता है या थ्रू हिज़ असाइनी जो जिसको प्रेजिट असाइन करता है वो टास्क या थ्रू हिज़ अ पर्सन अपॉइंट करता है जो कि मोस्ट ऑफ द टर्म जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है

ठीक है एंड योर डी ऑप्शन इज ड्यूरिंग रिसोर्ट इसका आंसर है डी ठीक है सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट सेशन में ना हो तभी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास कोई भी राइट नहीं है uh, किसी ऑर्डिनेंस को पास करने का इफ पार्लियामेंट इज इन सेशन ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ही मस्ट बी एन इंडियन ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा ही मस्ट नॉट बी लेस देन थर्टी फाइव

अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो ये आर्टिकल 377 के पहले का पार्ट है वो अपॉइंट द गवर्नर ठीक है वैसे इट इज ऑलवेज द प्रेजिडेंट तो इसमें वैसे, वैसे प्रेजिडेंट ही था चलो ठीक ही है द प्रेजेंट इंडिया कैन भी रूट फ्रॉम इज ऑफिस द पार्लियामेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइमेश्वर अबाउट एसेट पार्लियमेंट ठीक है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियमेंट इफ द प्रेजिडेंट रिटर्न बिल सेंड टू इम फॉर एन दार्लिमेंट वंस अगेन पास इज द बिल इन इज ओरिजन फॉर्म दें प्रेजिडेंट इज बाउंड टू गिव दसेंट ठीक है मैंने आपको क्या बोला था की uh, प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार उसको वापस कर सकता है बार बार उसे वापस नहीं कर सकता फॉर रिकन्सिडरेशन देन यू हैव इफ अ मिनिस्टर लूज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन लोकसभा इज डिसॉल्व ऑनली प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर रिजाइन द होल काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर ये जो है इसमें द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस क्योंकि जो मिनिस्टर uh, जो होता है आपका वो बेसिकली वन इज लाइक ऑल इक्वली होता है अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया है बेसिकली वैसे ऐसा होता नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ होता है बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी मिनिस्टर के खिलाफ ही हो गया है तो पूरे के पूरे जो काउंसल मिनिस्टर उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा द ओनली इंस्टेंट्स वेन द प्रेजेंट ऑफ इंडिया एक्साइज इज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू दी ये आ, देखो प्रेजिडेंट के पास जो है आ, वीटो की पावर होती है ठीक है वो क्या होती है ये ये जो है ना उसमें डाउरी प्रोहिबिशन बिल और ये इंडियन पोस्टल ऑफिस कमेंडमेंट बिल है इसके अंदर प्रेसिडेंट ने यूज़ करी थी वीटो क्या होता है प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो एक वर्ड होता है आप इसके बारे में पढ़ना पॉकेट वीटो क्या होता है प्रेसिडेंट के पास आप कोई बिल भेज दो साइन करने के लिए ठीक है तो प्रेजेंट उस बिल को एक बार वापस कर देता है फिर पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा वापस भेज देती है फिर प्रेजिडेंट को उसको उसको फिर वापस करना पड़ता है पास करके बट कई बार क्या होता है जब पार्लियामेंट ने प्रेजिडेंट के पास जो है वो आपका भेजा बिल तो प्रेजेंट उस बिल को अपने पास ही रख लेगा और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा तो उस जो वो चीज होती है उसे पॉकेट बिटो कहते हैं प्रेजेंट ने ऐसा बहुत ही लिमिटेड सेंसिस में किया है एंड वन ऑफ द सेंसिस इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन इलेक्ट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट वेस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है ये आप जब पढ़ेंगे थ्री टू फोर इसके अंदर आपको मिल जाएगा वॉट इज कंटेंट इन द टेंथ स्ड्यूल टेंथ स्कड्यूल के अंदर बेसिकली क्या है तो जो आपका एंटी डेफामेशन डेफामेशन वॉट एम सिंग सॉरी एंटी डिफेक्शन लॉ है वो उसके अंदर आता है यानी आप आयााम गया राम वाला जो आपका वो है ठीक है रिगार्डिंग द डिस्कालीफिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ठीक है

इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन इलेक्शन कमीशन इज द आंसर पॉलिटिकल पार्टी क्या है स्टेट है वो दैट इजन बायक्शन इलेक्टेड बाईल स्टेट बोथ हाउस ऑफ पार्लियमेंट लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउस ऑफ पार्लारमेंट इसके अंदर एमएलएस का रोल कोई नहीं होता जब आपका जो इलेक्शन होता बीपी का उसके अंदर एमएलए का इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा प्रेजिडेंट इलेक्शन राज्यसभा ठीक है लोकल बॉडीज सो तो इसका जो आंसर है दैट इज योर लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो होता है दैट इज कमेटेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन एस सी सी इलेक्शन कमीशन नहीं करता उसके मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइड फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेजेंट इज योर मतलब कितने साल तक एक प्रेजिडेंट का व्यक्ति इलेक्शन होता है ऐसी कोई भी एज नहीं बताई गई है ठीक है मिनिमम एज इज थर्टी फाइव द पावर टू डिसाइड द इलेक्शन पटिशन इज वेस्टेड इन दी सो इट्स लाइक ए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट और तो जो जितना भी मैटर ऑफ इक्शन कमीशन नाउ इट्स गोज इक्शन कमीशन फर्स्ट इट यूज टू बी द हाई कोर्ट सारे के सारे जो मैटर्स हैलवेज कैन ऑलवेज गिट बट नाउ इट्स द इलेक्शन कमीशन टूट द प्रेजेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज वो आपको पता ही है that's, uh, uh, जो इक्शन कमीशन यूज करा जाए दटना इसके अंदर दिए गए हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेकेंडरी वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटिंग थ्रू लिस सिस्टम तो दिस इज लाइक ट्रांसफर ऑफ वोट्स से यूज करा जाता है ऑप्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड केस से तो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें यू गिव यू गेट दिस सो यू हैव टू राइट वन एंड यू देन यू हैव टू राइट टू ठीक है तो ऐसे क्या होता है कई बार ये होता है कि जैसे आपका तीन वो हो जाते हैं ठीक है तो कई बार ऐसा क्या होता है जैसे हो गया तो सी प्रेफरेंस किसको दी गई है मैक्सिमम तो उसको यूज़ है 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 ठीक या सो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दैट इज़ योर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के uh, लगने के ऑलमोस्ट आप लेके चलें तो

क्या कहते हैं सी सी एंड अदर ई के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियम सिस्टम डिफाइन कर दिया है और ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है बर्न वाल अनू बर्नवाल जो इसका नाम है इस जजमेंट का अनु बर्न वाल वर्जिस यूनियन ऑफ इंडिया इस जजमेंट के अंदर क्या है कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट करते हैं जिसके अंदर आपके एक सुप्रीम कोर्ट के सी होंगे ठीक है एक आपका पीएम होंगे एक आपका लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ मेजर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन होंगे ठीक है तो ये करेंगे अब ये इसको आप ध्यान रखना इस केस को ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूछ सकते हैं अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोर रिफॉर्म्स इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिस क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स तो इसमें से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन सा नहीं है ठीक है तो आंसर इज इंस्टॉलेशन ऑफ वोटिंग मशीन दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीड बाई अफकोर्स दैट इज अकॉर्डेड बाई द इलेक्शन कमीशन ठीक है लास्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिबल टू वोट इन द प्रेजेंट इलेक्शन इफ ही इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस यानी वो अगर आपका एमएलसी है नॉट एमएलए है ठीक है तो वोट नहीं डाल पाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है इफ़ ही इज द मेबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली सो दीज आर हंड्रेड क्वेश्चन डन फ्रॉम इन टू पार्ट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज एंड मैंने क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल टेस्ट रखा था ताकि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही इजी मोड में हो क्योंकि ऑफ ऑफकोर्स इस बार इतना डेप्थ जो है लॉ से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड नहीं पूछने वाले डेलिटी में दे इल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल बिकॉज देयर दिस टाइम देयर असेसमेंट मेथड इज़ टू गेट दी पीपल हु हैव अ जनरल नॉलेज नॉट द पीपल हु हैव द लीगल नॉलेज सो जनरल नॉलेज में यू विल डेफिनेटली विल दिस दिस मच इज़ इनफ फॉर यू मैं और भी फिफ्टी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सो आई विल ट्राई टू गेट मोर देन टू एंड टू एंड फिफ्टी क्वेश्चन जिससे आपका एग्जाम में और बेनिफिट हो जाएगा सो दोस्तों थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय